इमाम महदी का वाकिया इस्लामी इतिहास और आस्था का एक अहम हिस्सा है। इमाम महदी का जिक्र हदीसों में कई बार आया है और उन्हें कयामत के करीब आने वाले एक बुजुर्ग और हिदायत देने वाले रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। ये वाकिया लंबा है, इसलिए इसे संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इमाम महदी की पैदाइश और नसब। इमाम महदी का असली नाम मोहम्मद होगा और वे हजरत मोहम्मद के घराने से, विशेष रूप से हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। हदीसों के अनुसार उनका रंग सफेद होगा, उनके दांत चमकते हुए होंगे और उनका चेहरा रोशन होगा। ज़हवा का वक्त। इमाम महदी का ज़हवा उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर चुकी होगी और हर तरफ फितना और फसाद होगा, जब इंसानियत महफूज नहीं होगी और इस्लाम के उसूलों को लोग भूल चुके होंगे, तब अल्लाह ताला इमाम महदी को भेजेंगे। इमाम महदी का ज़हवा। उनका ज़हवा मक्का में हज के दौरान होगा। कुछ लोग उन्हें मक्का के हरम में पहचानेंगे और उनसे बैत करेंगे। ये बैत एक खास मकाम पर, काबा के पास, सफा और मरवा के बीच होगी। उस वक्त इमाम महदी बैत लेने से इनकार करेंगे, लेकिन लोग जोर देंगे। इमाम महदी की हुकूमत। उनके ज़हवा के बाद इमाम महदी इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। वे जुल्म और सितम का खात्मा करेंगे और दीने इस्लाम को फिर से इज्जत और शौकत बख्शेंगे। उनकी हुकूमत 7 या 9 साल की होगी, जिसमें वे इंसाफ और अदल के साथ हुकूमत करेंगे। जंगों का वाकिया। इमाम महदी के दौर में कई जंगें भी होंगी। उनका सबसे बड़ा मुकाबला दज्जाल के खिलाफ होगा। इमाम महदी दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन उसका खात्मा हजरत ईसा करेंगे। हजरत ईसा के जमीन पर उतरने के बाद वे इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो उनकी रहनुमाई का सबूत होगा। वफात। इमाम महदी की वफात का जिक्र हदीस में नहीं आया, लेकिन यह माना जाता है कि उनकी हुकूमत के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर होगा। उनकी वफात के बाद दुनिया में कयामत की निशानियां तेज हो जाएंगी और आखिरत के लम्हे करीब आएंगे। ये था इमाम महदी का लंबा वाकिया, जो हदीसों और इस्लामी रिवायतों से हमारे पास पहुंचा है। इस वाकिये के जरिए मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि चाहे दुनिया में कितना ही जुल्म और फसाद क्यों न हो, अल्लाह के हुक्म से एक दिन इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम होगा।